हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट स्टडी सेंटर। मैं रोहित आपके अपने परिवार करंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर डेली सुबह में करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज है 12 जून 2020 और 12 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे मैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक ग्रुप का लिंक दे दिया है, तो फेसबुक ग्रुप भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, 2020 तक भारतीय रेलवे में सबसे सुरक्षित वर्ष कौन सा था जिसमें पहली बार शून्य मृत्यु दर रही है। तो अभी भारतीय रेलवे के अनुसार अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक सबसे अच्छा सुरक्षित रिकॉर्ड बनाया गया है। और इस अवधि के दौरान किसी भी रेल दुर्घटना में किसी भी रेल यात्री की जान नहीं गई है, और ऐसा 1853 के बाद पहली बार हुआ है। अब बात आती है भारतीय रेलवे की। तो भारतीय रेलवे से अगर रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें तो अभी CII ने त्रिची रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी है। और CII की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। क्या होती है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और इसके अभी नए अध्यक्ष बने थे उदय कोटक। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के CEO हैं और ये CII के अभी नए अध्यक्ष बने थे। और मेक इन इंडिया के तहत बिहार के मधुपुरा फैक्ट्री में 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन, और ये दुनिया में पहली बार है कि इतना क्षमता वाला और इतना कैपेसिटी वाला रेल इंजन ब्रोज गेट ट्रैक पर चलाया गया है। और इस इंजन का नाम WAG 12 है। और प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। कौन है? पीयूष गोयल। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया है? तो अभी न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, न्यूजीलैंड। यहाँ पर 1154 मामले कुल थे जिसमें से 22 लोगों की मृत्यु हुई थी, और अब न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख है। अब न्यूजीलैंड ने अपने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया है। तो मैप में देखते हैं न्यूजीलैंड को। ये है वर्ल्ड मैप में न्यूजीलैंड, जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है। यह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड के PM है जसिड्डा आर्डन। कौन है? जसिड्डा आर्डन। और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट यानी कि AIU ने एथलीट गोमती मारीमुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो अभी AIU ने एथलीट गोमती मारीमुथु पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात आती है AIU, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है एथलेटिक्स इंटीग्रेटी यूनिट। क्या होती है? एथलेटिक्स इंटीग्रेटी यूनिट। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 2017 को हुई थी। कब हुई थी? 3 अप्रैल 2017 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर मोनाको में है। कहाँ है? मोनाको में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष ब्रिट क्लाथियर है। कौन है? ब्रिट क्लाथियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया? तो अभी 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये मनाया क्यों जाता है? तो इसे मनाया जाता है व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने के लिए, और इसको बढ़ावा देने के लिए हर साल 9 जून को मनाया जाता है। और इस बार के विश्व प्रत्यायन दिवस की थीम थी एक्रीडेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। क्या थी? एक्रीडेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। और अदर ऑप्शन की डिस्कस करें तो 6 जून को मनाया गया था विश्व रूसी भाषा दिवस, 7 जून को मनाया गया था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस,
और 8 जून को मनाया गया था विश्व महासागरी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो अभी मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाता है। मुंबई 1 नंबर पे है, दिल्ली 2 नंबर पे है और चेन्नई 3 नंबर पे है। अब इंडिया में तो मुंबई 1 नंबर पे है, पर वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो पूरे विश्व में प्रवासियों के लिए मुंबई 60वें सबसे बड़ा महंगा शहर है, और एशिया में मुंबई 19वें नंबर पे है। कितने नंबर पे? 19वें नंबर पे। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली वर्ल्ड लेवल पे 101 नंबर पे है और चेन्नई वर्ल्ड लेवल पर 143 नंबर पे है। अगर यहाँ पर हम पूरे विश्व में बात करें कि पूरे विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो पूरे विश्व में महंगा हांगकांग है। कौन है? हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य ने पंचवटी योजना शुरू की है? तो अभी हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना शुरू की, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पंचवटी योजना, इसका मतलब क्या है? तो हिमाचल प्रदेश के सीएम ने सीनियर सिटीजन के लिए पंचवटी योजना शुरू की है। इस योजना में मनरेगा सभी विकास खंडों में आवश्यक सुविधाओं के साथ पार्क और उद्यान विकसित कराएगा। अब ये योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। तो मैप में देखते हैं हिमाचल प्रदेश, यह है मैप में हिमाचल प्रदेश जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, और हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर है, और हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और देश का पहला स्काई फ्लाइंग पार्क हिमाचल प्रदेश में ही खोला गया था, और गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्या नाम का एक जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है? तो अभी DIAT ने कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्या नाम का एक जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। DIAT, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या होती है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसका हेड क्वार्टर पुणे में है। कहाँ है? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत और किस देश ने बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारत और डेनमार्क ने बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात आती है डेनमार्क की, तो मैप में देखते हैं डेनमार्क, यह है वर्ल्ड मैप में डेनमार्क जो आपको यहाँ रेड कलर का दिखाई दे रहा है। यह है डेनमार्क। डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। कहाँ है? कोपेनहेगन। और डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोल। क्या है? डेनिश क्रोल। मैंने पीछे बताया था कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया था, और उसमें डेनमार्क ही टॉप पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में रोटरी इंडिया ने ई सामग्री प्रसारित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी रोटरी इंडिया ने ई सामग्री प्रसारित करने के लिए NCERT के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। NCERT, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष रमेश पोखरियाल हैं। कौन है? रमेश पोखरियाल। और इसके डायरेक्टर इस टाइम पे हैं हरूषि के सेनापति हैं। कौन है? हरूषि के सेनापति। अब बात यहाँ पर रोटरी इंडिया की भी हुई है, तो इसके बारे में जानते हैं। रोटरी इंडिया, रोटरी इंडिया की स्थापना 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर यूनाइटेड स्टेट में है, और इसके CEO जॉन हेको हैं। कौन है? जॉन हेको।
और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष मार्क डेनियल मालोन है। कौन है? मार्क डेनियल मालोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम है आदित्य। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, आदित्य। पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है जो केरल में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में लॉकडाउन लीजेंड्स लिविंग एंड अदर्स स्टोरीज पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी लॉकडाउन लीजेंड्स लिविंग एंड अदर्स स्टोरी नामक पुस्तक शोभा डे ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में जून 2020 तक किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने दुनिया के सबसे गहरा महासागर बिंदु पर डुबकी लगाई है? तो अभी चीन के मानव रहित पनडुब्बी जिसका नाम है हेदाउन। क्या है? हेदाउन। और इसने दुनिया के सबसे गहरे महासागर बिंदु पर 10,907 मीटर तक की गहराई तक गोता लगाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाता है। अब बात यहाँ चीन की भी हुई है, तो मैप में देखते हैं चीन कहाँ है। ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल बीजिंग है, चीन की करेंसी रेनमिनबी है और चीन के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है। कौन है? जी जिनपिंग। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं।